जो जो कंजक्शंस हमने सीखे हैं और जो आप गैरिसन पेपर में पढ़ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो हाफ लेटर है, हाफ लेटर के बाद में जो भी करेक्टर आएगा उसको नीचे लिखा जाता है। ये चार जो है, ये चार थोड़े स्पेशल है, सिर्फ आपको याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसका वीडियो भेज रहा हूं। पहला है र, र, थ। तो इसका एक जो शब्द बना है मैंने यहां लिया है उदाहरण के लिए परमार्थ। मैं यही चीज शारदा में लिखूंगा। तो इसको पहले र थ को कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये र आधा है, तो र आप ये याद रखें, कभी भी थ नीचे हो तो ऐसे आ जाएगा। तो अब इसको अगर जब मुझे इसका शब्द लिखना है तो प र मा परमार्थ। ये दूसरा है र र ध। इसका जो मैंने शब्द लिया है अर्ध, तो ये र ध कैसे बनेगा, इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना ये र बनेगा नहीं, इसमें सिर्फ ये ऐसे बनता है। तो इसका जब हम शब्द बनाएंगे शारदा में लिखेंगे तो अ अर्ध। ये तीसरा है र य। इसका जो शब्द बनता है जो मैंने लिया है आर्य। तो जब हम इसको लिखेंगे तो आपको याद रखना है इसको ये हिंदी के बिल्कुल द जैसा बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको जब हम शारदा में लिखेंगे आ प आर्य। चौथा जो है र व। तो इसका जो मैंने शब्द लिया है सर्व, तो इसमें सिर्फ ये ऐसे देंगे, ध्यान देंगे, इसमें ये ऐसे आता है, इसमें थोड़ा बाहर निकलता है, इसमें बाहर नहीं निकला था, इसमें थोड़ा ये बाहर चर्क जैसा आता है जो अब हिंदी में लिखते हैं। तो जब हम इसको शारदा में लिखेंगे सर्व कैसे लिखेंगे, स सर्व। तो इसको आप याद रखिए ये जो चार है, बाकी जितने भी ये हैं कंजक्शंस वो कॉमन है, वो आप गैरिसन पेपर में देख के एक एक शब्द लिख सकते हैं। धन्यवाद।